अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और आप सब की दुआओं की वजह से हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे, उनको वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं बना रही हूँ नूडल्स। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, चिकन एंड एग, और साथ में वेजिटेबल्स भी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन मैरिनेशन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे क्यूब्स में बोनलेस चिकन मैं अच्छे से वॉश करके कट कर ली हूँ। ये तकरीबन 250 ग्राम तक है, और इसमें गया ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और गया ये लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और गया ये स्वाद अनुसार नमक, और ये है सोया सॉस, और साथ में गया ये विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हाँ, एक इंग्रेडिएंट तो मैं भूल गई हूँ। तो ये सारा मिक्स करने के बाद मुझे फिर दोबारा से याद आ गया, जो कि कॉर्नफ्लोर है या फिर कॉर्नस्टार्च। ये डालने से एक लेयर आ जाएगा चिकन के ऊपर, तो एकदम से क्रिस्पी चिकन हमारा नूडल्स में मिलेगा, जैसे कि हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ नूडल्स बॉईल करने की। तो पानी ले लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल एंड नमक, बॉईल होता है अच्छा, एक उबाल आने तक हम बॉईल कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ नूडल्स, जो कि चाउमीन ना कभी बारीक भी आ जाते हैं कभी मोटे, तो ये ना मोटे साइज़ का ही था। तो हम इसे निकालेंगे और साबित ही डाल देंगे सॉलिड, इसे बिल्कुल भी तोड़ना नहीं। अगर तोड़ेंगे ना तो फिर मिक्सिंग जब हम करते हैं तो उस वक्त और भी टूटेंगे, तो इसलिए बिल्कुल सॉलिड डाल देना। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए मेरा नूडल्स अच्छे से गल गया है, बॉईल हो गया है, तो मैं स्ट्रेनर में निकाल ली हूँ, और ऊपर से टैप वाटर भी डाल दे रही हूँ ताकि इसका आगे का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ओके, तो एक पैन ले लेंगे और उसमें मैं ये डाल दी हूँ तेल, और जो हम मैरिनेशन के लिए रख दिए थे हाफ एन आवर हो गया था, तो फिर मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। तो बस हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। तो गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप लोग का फास्ट फूड कौन सा फेवरेट है, नूडल्स या फिर फ्राइड राइस या फिर मंचूरिया या फिर चिकन बॉल्स, क्या पसंद है आप लोग को प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और आपको फास्ट फूड में कोई और रेसिपी ट्राई करना है या फिर चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ आई लव फास्ट फूड। तो आप लोग जो भी रेसिपी की फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह मैं उस रेसिपी डालूँगी आप लोगों के लिए, सिखाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब मैं ना एकदम बड़ा वाला भगोना ले ली हूँ, मैं तो इसे भगोना कहती हूँ, आप लोग जो भी कहते हो उसे ले लीजिएगा, ताकि हमें मिक्सिंग में आगे प्रॉब्लम ना आए और गिरे नहीं। नॉर्मली होता है ना फास्ट फूड में, हम जब बड़ी चीज़ नहीं लेते पकाने के लिए तो वो आधा नीचे गिरता है, फिर आधा भगोने में रह जाता है, तो इसीलिए हम बड़े चीज़ में ही बनाएंगे फास्ट फूड को। ओके, तो तेल डाल दी हूँ और चॉप करके मैं लहसुन डाल दी हूँ, और एक आनियन चॉप करके डाल दी हूँ, एक कैरेट चॉप करी हूँ, और 5 से 6 बीन्स मैं इसे कट करके चॉप करके डाल दी हूँ। ये सारे ही चीज़ें डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे ही ये वेजिटेबल सारे ही कुक होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये कैबेज, और साथ में ये डाल दी हूँ कैप्सिकम। दोनों ही मैं कैबेज में 1 बॉल फुल ले ली हूँ, और कैप्सिकम में 1 ले ली हूँ। तो बस ये सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से कुक कर लेंगे। और एज यूजुअल माय फेवरेट चिकन क्यूब, इसके बिना ना हमारा फास्ट फूड का मज़ा ही नहीं आता, जिस तरीके रेस्टोरेंट वाले में आता है। तो बस जो ये मैगी क्यूब है ना, इसे आप ला कर रख लीजिएगा 2-3 पैकेट्स एक ही दफ़ा में, तो आपको बहुत टाइम तक चलेगा ये। और बाय द वे मेरे पास ना ये जो चिकन मैगी क्यूब है वो ख़त्म हो गया है, आज ही ये लास्ट हो गया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी बाहर तो फिर थोड़े उठा लाऊंगी, तो फिर चलेंगे आराम से। तो पर हाल अब मैं इसमें डाल दी हूँ सारे वेजिटेबल्स कुक होने के बाद, चिकन जो फ्राई करके डाली हूँ वो, और ये देखिए इसमें गया अंडा, जो कि मैं एज़ यूजुअल मेरे से क्लिप मिस हो गई है। जब मैं चिकन फ्राई करके पैन में से निकाली थी ना, उसी वक्त दोनों अंडे में फोड़ के ना स्क्रम्बल कर ली थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। तो बस अंडे को पूरी तरीके से कुक करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ना, नमक ही शामिल करी थी मैं सिर्फ, जब मैं एग बॉयल कर रही थी, सॉरी एग फ्राई कर रही थी, उस वक्त सिर्फ नमक डाली थी, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं डाली थी। ओके, उसके बाद जो हम बॉईल करके नूडल्स रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और ये गया 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून गया ये चिल्ली सॉस एंड ये रेड चिल्ली सॉस। ये तीनों चीज़ों को हम डालेंगे, डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा विनेगर भी डाल दी हूँ मैं इसमें। तो देखिए इसे 1 स्पून से बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं होगा, स्पेशली स्पैचुला जब होगा ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो आपको दोनों स्पून्स और दोनों हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा नूडल्स मिक्स करने के लिए। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा नीचे उतार लूँगी, अब इसे नीचे उतार के मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल ली हूँ और आप देख सकते हो मैं इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, एकदम स्पाइसी भी है और परफेक्टली कुक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके वेजिटेबल्स, चिकन एंड एग सब कुछ परफेक्टली कुक्ड है। और बस बताइए मुझे आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।